शैतान अपने राज्य में यानी आकाश में अपने दूतों के साथ और इस पृथ्वी पर अपने दुष्ट उन व्यक्तियों के साथ मनाता रहा, आनंदित करता रहा, खाने पिलाया, मार दिया उसे, खत्म हो गया, हरा दिया उसे हमने। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। आज हम बात करेंगे हार और जीत की। कभी कदार हम अपनी लड़ाई में, हम अपनी बहुत सी बातों में हार जाते हैं, और जब हम हार जाते हैं तो हम बहुत निराश हो जाते हैं और हमारा जो मनोबल है वो टूट जाता है, हमारा जो भरोसा परमेश्वर पे है वो टूट जाता है कि परमेश्वर ने हमें हारने दिया, परमेश्वर ने हमें हरा दिया, हमने इतनी प्रार्थनाएं करी जबकि हम सही थे, हम गलत नहीं थे, उसके बाद भी परमेश्वर ने जो है हमें हरा दिया, परमेश्वर ने हमारी सुधि नहीं ली। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ऐसा नहीं है। आज इस हार जीत के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि हमारी हार कब होती है, ध्यान दीजिएगा, हमारी हार तब नहीं होती है जब आप गिर जाते हैं, हार तब होती है जब आप उठने से मना कर देते हैं। जी हाँ, हार हमें क्या सिखाती है, आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, हार हमें क्या सिखाती है, हमने क्या खोया, इस बारे में सोचें, हमारी हार के कारण क्या थे उसको जानें, अपनी हार को जीत में कैसे बदल सकते हैं उस पर ध्यान दें, मेरी हार में कौन मेरे साथ है और जो आपके साथ है वही आपका सच्चा साथी है। ये हार के बारे में है। अब हम जीत के बारे में कहते हैं, हमारी जीत कब होती है, जब हमारा लक्ष्य सिर्फ उसको पूरा करने में लगा हो, हम अपने लक्ष्य से भटके ना हो। दूसरा है, अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में बहुत गहराई के साथ सोचें और विचार करें, मैं एक सच्ची और ईमानदार जीत कैसे प्राप्त कर सकता हूं। देखिए, सच्ची और सच्चाई की ईमानदार जीत जब आप करते हैं तो परमेश्वर आपके साथ होता है, उसको कैसे कर सकते हैं। और चौथा है, मैं जीतना चाहता हूं, किसी को नीचा दिखाना नहीं चाहता। ये जो है हमारे अंदर बात होनी चाहिए, मैं जीतना तो चाहता हूं परंतु किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं। अगर आप जीत गए और किसी को नीचा दिखा रहे हैं अपनी जीत के कारण, तो ये आपकी जीतने के बाद भी सबसे बड़ी हार है। आप जो है हार चुके हैं, परमेश्वर की दृष्टि में आप हार गए हैं, परमेश्वर के लोगों की दृष्टि में आप हार गए हैं, पवित्र लोगों की दृष्टि में हार गए हैं, पवित्र आत्मा की दृष्टि में आप हार गए हैं, यीशु मसीह की दृष्टि में जो है आप हार चुके हैं, और यह आपकी सबसे बड़ी हार है। जो परमेश्वर की दृष्टि में हार चुका वो जीत कर भी वो जीता नहीं है, इस बात को ध्यान में रखें। जीत हमें क्या सिखाती है, मैंने क्या पाया, पहला मैंने कैसे पाया, तीसरा मैंने क्यों पाया, मैंने किसके लिए पाया। देखिए, जीत हमें जो है यह सिखाती है, इन सारी चीजों को के बारे में सोचे, हार और जीत के बारे में। देखिए, एक बात पर ध्यान करें, और वो बात क्या है कि जीत से कहीं ज्यादा हमारी हार हमें सिखाती है। ये बात बिल्कुल ध्यान में गांठ बांध लीजिए कि हमारी जीत से ज्यादा हमें हमारी हार हमें सिखाती है। और वो क्या सिखाती है, मैंने आपको बता दिया है कि हमने क्या खोया, हमारी हार के कारण क्या थे, अपनी हार को जीत में कैसे बदल सकते हैं, मेरी हार में कौन मेरे साथ है। ये बहुत सी चीजें जो हैं वो हम सीखते हैं। गिरने का अर्थ ये नहीं होता है, गिरने का अर्थ हारना नहीं होता है, गिरने का अर्थ होता है कि मैं उस हार से क्या सीख रहा हूं। गिरने का अर्थ होता है उठना, और उठकर उस हार के, जो हार आपको मिली है उससे सीखना। और गिरने का एक और अर्थ होता है, गिरने का अर्थ होता है फिर से उठना, फिर से खड़ा होना, फिर से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लग जाना, इस तरीके से जो होता है। आप जानते हैं नीति वचन 24 अध्याय उसके 16वें पद में क्या लिखा हुआ, बड़ा ध्यान दीजिएगा जरा इस पद की ओर, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिर कर पड़े रहते हैं। यहां क्या है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि धर्मी लोग जो हैं, अगर वो गिर भी जाते हैं, कहीं पर भी वो गिर जाते हैं, या कभी पाप में भी गिर जाते हैं, या बुराई में गिर जाते हैं, या वैसे गिर जाते हैं, उनकी हार हो जाती है, वो हार जाते हैं, मगर परमेश्वर उनको फिर से उठाकर खड़ा करता, फिर से विजय बनाता है, फिर से उनको वो ताकत देता है। परंतु दुष्ट व्यक्ति अगर गिर जाए एक बार भी तो वो उठ नहीं सकता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी भी दुष्ट की मृत्यु से प्रभु जो होता प्रसन्न नहीं होता है,
इसलिए वो ये नहीं चाहता है कि वो गिरे, वो उसको जीतने देता है, परंतु वो जीतता जाता है, परंतु जब वो अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ता है ना, फिर परमेश्वर उसको जब गिराता है, जब परमेश्वर उसको हराता है, तो वो कहीं पर भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहता है, कहीं पर भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहता है, और वो जो है उसकी जो ईगो है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है, उसका जो तमाशा है वो हर जगह बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि वो दुष्ट था, मगर धर्मी का, अगर धर्मी गिरता भी है, धर्मी अगर हारता भी है, तो उसकी उस हार का, उसके उस गिरने का तमाशा नहीं बनता है, क्योंकि वो धर्मी है, क्योंकि वो परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी है, क्योंकि वो परमेश्वर की दृष्टि में है, और इसलिए परमेश्वर उसको उठाकर फिर खड़ा करता। आप कहोगे कि भाई धर्मी है तो क्यों नहीं परमेश्वर उसे जिताता, क्यों हरा देता है, क्यों उस दुष्ट लोगों से या दुष्ट व्यक्तियों से हरा देता है? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, चलो मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। यीशु मसीह जब मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया, और जब वो मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया तो क्या था, उसके ऊपर बहुत से गलत इल्जाम लगाए गए, उसको जो है टोका गया, उसको जो है मारा गया, बहुत आरोप लगाए गए, और उसको मारा पीटा गया, क्रूस पर चढ़ा दिया। और शैतान और जो उसके लोग थे और जो दुष्ट लोग थे, वो सब ये सोच रहे थे, देखा हमने तो इसे क्रूस पर चढ़वा दिया, इसे इतना पिटवाया कि इसकी तबीयत सही हो गई होगी, अब ये जो है सर उठाने लायक नहीं रहा, हमने इसे इतना लानतान कर दिया है, इसे क्रूस पर चढ़वा दिया, अब ये मर गया, अब कौन इस पर विश्वास करेगा, अब कौन जो है इसके नाम से जो है सामर्थ्य के काम करेगा। बहुत जश्न मनाया, 3 दिन तक जो है बड़ा जश्न जो है, शैतान अपने राज्य में यानी आकाश में अपने दूतों के साथ और इस पृथ्वी पर अपने दुष्ट उन व्यक्तियों के साथ मनाता रहा, आनंदित करता रहा, खाने पीने, मार दिया उसे, खत्म हो गया, हरा दिया उसे हमने। परंतु वो उनकी जीत नहीं थी, वो उनकी सबसे बड़ी हार थी, और जो ये माने बैठे थे कि हम जीत चुके हैं, ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी कि वो जीत गए हैं। कभी कदार जीतने वाला व्यक्ति ये सोचता है कि हम जीत गए हैं, और वो अपने घमंड में, अपनी अकड़ में चलता रहता है, फिरता रहता है, और अपने घमंड में भरा रहता है, परंतु यही उसकी सबसे बड़ी भूल है। ये जरूरी नहीं है कि वो जीत गया है तो और वो हारा नहीं है। यही शैतान और उसके दुष्ट लोगों का था कि जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया, यीशु मसीह को मार डाला, यीशु मसीह को दफन कर दिया, तो वो सोचे कि वो जीत चुके हैं। वो जीते नहीं थे, वो उनकी सबसे बड़ी हार थी। और तीसरे दिन उनको इस बात का अंदाजा हो गया, तीसरे दिन उन्होंने इस बात को जान लिया, जब यीशु मसीह कब्र में से जी उठा, जब उसने मृत्यु पर, जो मृत्यु उन्होंने उसको दी थी हार के लिए, उस मृत्यु पर विजय प्राप्त करी उसने, उस मृत्यु पर उसने जीत हासिल करी, तब उन्होंने कहा, अरे हम तो खुशी मना रहे थे कि हम तो जीत गए, ये तो हमारी बहुत बड़ी हार थी, इसको हमें मारने नहीं चाहिए था, जैसा चल रहा था चलते रहना चाहिए था, हमने बेकार में इसे मरवा दिया, हमने बेकार में इसको, इसका तमाशा बनाया, हमने बेकार में इसको लानतान करा। बड़ा अफसोस हुआ, क्यों, कारण क्या था? क्योंकि उस यीशु मसीह के ने जो मृत्यु पर विजय प्राप्त करी, उसके कारण बहुत से मनुष्यों ने, उन मनुष्यों ने भी जो प्रभु यीशु मसीह पे हमेशा विश्वास रखते हैं, उन्होंने भी मृत्यु पर विजय प्राप्त करी। अब मृत्यु उन्हें हरा नहीं सकती है। जी हाँ, पढ़ लीजिएगा 1 कुरिन्थियों 15:54-55, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा, तेरे मारने की शक्ति कहां रही। अब मृत्यु की जो शक्ति थी वो खत्म हो चुकी। मृत्यु क्या है? मृत्यु जो है पाप, जो है पाप मृत्यु है, और लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। जी हाँ, पाप की मजदूरी जो है वो मृत्यु है, और उस मृत्यु से, खासतौर से जो दूसरी मृत्यु है, सेकंड मृत्यु है, जो आग की झील है, जिसको दूसरी मृत्यु कहा गया है, वो जो प्रभु पे विश्वास करते हैं, जो प्रभु के नियमों का पालन करते हैं, जो प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं, उन पर वो दूसरी मृत्यु हावी नहीं होगी, वो अनंत काल तक के लिए जीवित हो गए।
अब ये देखिए, ये बड़ी अच्छी बात है। और क्या कहता है परमेश्वर का वचन, क्या कहता है कि जब आप प्रकाशित वाक्य 2 और 3 अध्याय पढ़ेंगे, वहां पर 7 बार एक बात को कहा गया है कि जो जय प्राप्त करे, जो जय प्राप्त करे। जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जय प्राप्त करी, मृत्यु को हरा दिया, पाप को हरा दिया, बुराई को हरा दिया, हर एक प्रकार की बुराई पर उसने विजय प्राप्त करी, हर एक प्रकार के पाप पर उसने विजय प्राप्त करी, अंधकार पर विजय प्राप्त करी, शैतान की शक्तियों पर विजय प्राप्त करी, और उसने हर मृत्यु पर विजय प्राप्त करी। प्रभु यीशु मसीह के मानने वाले लोग ऐसे ही हैं कि वो मृत्यु पर, शैतान पर, शैतान की शक्तियों पर, बुराई पर, पाप पर, हर चीज पर विजय प्राप्त करते हैं। और जो विजय प्राप्त करता है, जो जय को प्राप्त करता है, रिवार्ड उसके लिए स्वर्ग में रखा है, परमेश्वर का वचन बताता है। आप जानते हैं कि हम कैसे जो हैं उस जय को प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आखिर में मैं एक पद पढ़ना चाहूंगा, पहला योना की पत्री 5 अध्याय उसका 4 पद, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न है वे संसार पर जय प्राप्त करता है, और वे विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। जी हाँ, यहां पर क्या है कि जो कुछ भी परमेश्वर से, हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए तो हम संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। संसार पर विजय प्राप्त करने के लिए परमेश्वर ने हमें उत्पन्न किया है। और जो संसार पर विजय प्राप्त करता है वो क्या चीज है हमारे पास, हमारा विश्वास, जो परमेश्वर पे अटल होना चाहिए, जो परमेश्वर पे होना चाहिए। हमारा विश्वास ही, हमारा दृढ़ विश्वास ही हमें विजय बनाता है। हमारा विश्वास ही हमारी हार को जीत में बदलता है। हमारा दृढ़ विश्वास ही हमारी हार को जो है वो जीत में, एक बड़ी जीत में बदलता है। और दुनिया देखती है कि हमने तो इसे हारा हुआ समझा था, जैसे यीशु मसीह के लिए, हमने तो इसे हारा हुआ समझा था, हमने तो सोचा था ये हार गया, परंतु ये तो विजय निकला, ये इसने तो पूरे संसार को जीत लिया, इसने तो सारी मानव जाति को जीत लिया है। अब हम किस पे राज करेंगे? शैतान की यही प्रॉब्लम है आज कि राज करें तो किस पे करें। इसलिए वो हमारे विश्वास को डामाडोल करता है, भकाता है, भड़काता है, हमें गलत रास्तों पे ले जाता है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इन सब चीजों से बचें। और कभी भी अपनी हार, जब आपकी हार होती है तो कभी निराश मत होइए, क्योंकि हमारी हार हमें बहुत कुछ सिखाती है, और हमारी हार हमारे विश्वास को दृढ़ करती है। विश्वास को बनाए रखिए, क्योंकि हमारी हार में भी हमारी बहुत बड़ी जीत छुपी होती है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।